जमीन कहीं और, नाम शहर इकतदार का। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज डीसी इस्लामाबाद के रिडार पर आ गईं। अरफान नवाज मेमन ने प्रोजेक्ट सीडीए की हदूद से बाहर होने पर 14 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर व रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ अरफान नवाज मेमन ने इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड 14 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट इस्लामाबाद और सीडीए की हदूद से बाहर थे, जिस पर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, द वेटरन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वजारत कामर्स एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ओजीडीसी एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई। नेशनल पुलिस फाउंडेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ओजीडीसी ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, द वर्क नो वर्ल्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीन भी सीडीए की हदूद से बाहर होने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई। वापडा एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, द पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और फेडरल शरीयत कोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव भी रजिस्ट्रेशन मंसूख की जाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज में शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को हदायत की गई है कि जिस जिस सूबे की हदूद में इनके प्रोजेक्ट हैं वहां पर रजिस्टर्ड हों और उनके कवानीन पर अमल दरामद किया जाए। मुतलका हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। अरमान यूसुफ, सब न्यूज़, इस्लामाबाद।